महाकुंभ महोत्सव के महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। सारी दुनिया की नजर भी इस महाकुंभ पर है, सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर लगी हुई है। इस बीच गूगल ने महाकुंभ 2025 को लेकर अपनी पॉलिसी को पहली बार बदला है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और गूगल के बीच एक MOU साइन किया गया है। इसके बाद मेला परिसर में कहीं भी पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। चालीस करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के रेले के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में महाकुंभ में प्रवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होती है कि वो इतने बड़े क्षेत्र में किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस बार मेला 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और पहली बार गूगल श्रद्धालुओं को मेले के हर कोने तक पहुँचाएगा। इसके लिए गूगल ने पहली बार अपनी पॉलिसी बदल दी। गूगल ने अपना एक पॉलिसी चेंज करके, जो पहले वो परमानेंट सिटी को ही गूगल नेविगेशन की फैसिलिटी देता था, लेकिन इस बार टेम्प्रेरी सिटी, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए, इसके क्राउड को देखते हुए गूगल ने ये पॉलिसी चेंज की है और टेम्प्रेरी सिटी को भी गूगल से इनेबल किया है। महाकुंभ के आयोजन के लिए रेत पर 45 दिनों के लिए एक अस्थायी शहर का निर्माण होता है, जिसमें लाखों लोग कल्पवास करते हैं। देश और दुनिया से साधु महात्मा पहुँचते हैं। गूगल ने आज से पहले किसी अस्थायी शहर में नेविगेशन की सुविधा नहीं दी, लेकिन इस बार लोगों को पता पूछना नहीं पड़ेगा, सिर्फ गूगल मैप ऑन करना होगा और इसके बाद मेले की प्रमुख सड़कों की जानकारी, धार्मिक स्थलों और घाटों की जानकारी, अखाड़ों और प्रसिद्ध संतों के स्थान की जानकारी, इसी के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के स्थल की जानकारी सही नक्शे और निर्देश के साथ फौरन मिल जाएगी। नेविगेशन का फायदा यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। 3D वर्जन भी उन्होंने अप्लाई करने के लिए कहा है हम लोगों को। 500 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन उनमें से हम लोग करीब 100 के आसपास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें प्लान भी कर चुके हैं। ये बड़ा अच्छा कदम होगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो दूसरे शहरों, राज्यों और विदेशों से आएंगे। गूगल की इस पहल से मेले में भटकने की आशंका भी कम होगी। महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह तक गूगल ये सेवा शुरू भी कर देगा और दिसंबर के बाद जब 14 जनवरी आएगी तो प्रयागराज में रिकॉर्ड जन समुद्र उमड़ेगा और इसीलिए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और इस तैयारी को देखने हम भी वहां पर पहुंचे जहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।